मनोबेता नीना प्रधानमंत्री के जो पूरी स्पीच रही वो बहुत अच्छी थी और उनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने बोला कि आप सब मेरे लिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूँ और जो दूसरों के लिए जीता है उसके लिए कई मरने वाले मिल जाते हैं जब प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने जिन वर्ड्स का यूज़ करा जिस प्रकार से वो बोल रहे थे ऐसा लग रहा था कि कोई जेंजी व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है भारत की रूट्स ये सिखाती है कि देश क्या है सच्चाई क्या है और जब हम ऐसा कंटेंट बनाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट बहुत लोगों पर करता है और मेरा जो कंटेंट है वो स्क्रिप्चर से रिलेटेड है शास्त्रों से रिलेटेड है और जो देशभक्ति की पहली गूंज है अगर पहला कॉन्सेप्ट देशभक्ति का आया है तो मैं समझता हूँ वो वेदों में आया है आज की जो जनरेशन है उसमें ये एक परिवर्तन आया है एक कल्चरल परिवर्तन आया है सोच का परिवर्तन आया है कि हमारा जो कल्चर है वो भी अच्छा है उसे भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको भी हम पहन के बाहर जा सकते हैं भारत की संस्कृति को भी भारत के कल्चर को क्योंकि वो प्रधानमंत्री है और भारत से संबंधित हर चीज़ पर उनका ध्यान रहता है तो अगर ऐसा व्यक्ति मेरे सामने है तो फिर उनके आगे क्या कैसा डरना है माइगव साथी स्वागत है आपका माइगव के लेटेस्ट पॉडकास्ट सीरीज में जहां हम बातचीत कर रहे हैं नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड फर्स्ट एवर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के विजेताओं के साथ और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास इंसान मौजूद है वी हैव हियर विद अस द विनर ऑफ द बेस्ट माइक्रो क्रिएटर कैटेगरी अवार्ड वी हैव हियर विद अस अरिदमन अरिदमन वेलकम टू माइगव नमस्ते नमस्ते अरिदमन स्वागत है आपका माइग में सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस जीतने के लिए बेस्ट माइक्रो क्रिएटर अवार्ड बहुत धन्यवाद आपका और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड अटेंड करके जीत के प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड लेके पूरा एक्सपीरियंस कैसा था नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था और मैं कहूँगा जीवन में जो एक बार एक्सपीरियंस होता है ऐसे एक्सपीरियंस था क्योंकि गवर्नमेंट कभी कंटेंट क्रिएटर्स को अवार्ड दे ये पहली बार था और अनएक्सपेक्टेड था ये लाइफ का बेस्ट इवेंट था मैं समझता हूँ जो पहली बार मैं अटेंड करा मैंने एक दम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाकी सारे कंटेंट क्रिएटर्स को मैं ये पूछ रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएशन की उनकी जर्नी किस तरह से शुरू हुई लेकिन आपको मैं उससे थोड़ा और पहले जाना चाहता हूँ क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना आप ही से कि आप दिल्ली में ही पले बढ़े जी तो आपका कॉन्टेंट जिस तरह का है जिस तरह के कल्चर को आप प्रमोट करना चाहते हैं करते हैं भारत के ट्रू ब्लू कल्चर को आप प्रमोट करते हैं अपने कंटेंट के साथ भारत के पोशाक को आप प्रमोट करते हैं अपने कंटेंट के साथ इसके प्रति आपका लगाव आपका प्यार ये कैसे शुरू हुआ क्योंकि ये बच्चों में नहीं होता है तो ये आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई तो ये जर्नी आपने से बोला बहुत पीछे ही शुरू हुई जब मैं बहुत छोटा था और अगर मेरी फैमिली से पूछा जाए तो मेरा जिस घर में जन्म हुआ तो मेरी जो फादर की साइड थी जहाँ मैं रहता था वहाँ पर ऐसे कुछ स्पिरिचुअल नहीं था कुछ भी अध्यात्म का इतना नहीं था और ठीक है कर लिया हो गया बस इतना था लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद वो जो गुण होते हैं या वो जो आदतें होती है वो पहले से कहीं मेरे में थी और जब मैं बहुत छोटा था तब से ही मैंने पूजा करना मंदिर जाना बुक्स पढ़ना और भगवान की जो पिक्चर्स होती थी वो मुझे बहुत पसंद आती थी जो पोस्टर्स uh, और फोटोज़ और जो अध्या जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो पुराने किले महल ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे बचपन से ही और मेरी माँ जैसा मुझे बताती है और मुझे भी याद है आज तक कि पहली बार जब मैं मंदिर गया तब मैं आठ महीने का था और uh, कहीं ना कहीं मेरी कॉन्शियसनेस में वो पूरा सीन आज भी रिकॉर्डेड है क्या बात आज मैं उसको एज इट इज़ याद रखता हूँ और मुझे याद है कि वो दिन कैसा था वो शाम कैसी थी क्योंकि कई दिनों तक मेरी आदत थी कि मैं रोज़ शाम को रोता था और एक जब हम डॉक्टर से कंसल्ट करा तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी कुछ बातें बताई कि ये ऐसे ऐसे इससे ठीक हो जाएगा शाम को बच्चे अक्सर रोते हैं तो एक दिन मेरी माँ रोते हुए मुझे आ, अपने साथ बाहर ले गई जो गली हम जहाँ रहते थे उधर और पास में एक मंदिर आया तो मंदिर की जब घंटियाँ मैंने सुनी तो उस तरफ को मैं घुसा और मुझे आज भी वो वो पूरा सीन याद है वो दृश्य याद है जब मैं पहली बार गोद से उतर के मैंने मंदिर में दंडवत करी होगी भगवान को छोटा सा आठ महीने का और वो जर्नी थी उसके बाद से वो फिर कभी नहीं रुका फिर रोज़ाना मंदिर जाना और होना और मेरी माता जो थी वो जर्नलिस्ट थी और बाद में उन्होंने लॉ करा वो वकील हैं तो उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा कि उन्होंने कभी रोका नहीं जो करना चाहते हो वो करो हालांकि मैं बहुत डिफरेंट था बचपन से उनके लिए भी अचंबा था लेकिन रोका नहीं गया किताबें पढ़ना मंदिर जाना पुरानी चीज़ों को जानना और इसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ रहा पिताजी का भी रहा क्योंकि लिखना पढ़ना ये सब शायद उनके थ्रू ही आ, मेरे पास आए और जैसे जैसे मैं उसे कंटिन्यू करता गया वो चीज़ें बढ़ती गई चीज़ों को जानता गया और मेरी जो चीज़ों को जानता गया और एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि मुझे अपने कल्चर के बारे में जानना है अपने देश के बारे में जानना है अपने धर्म के बारे में जिस संस्कृति से मैं बिलोंग करता हूँ उसके बारे में जानना है तो इस प्रकार वो जर्नी शुरू हुई और जब मैं स्कूल में गया तो मेरा स्कूल भी आ, मैं आर्मी के स्कूल्स में ही पढ़ा हूँ तो जो मेरे आ, प्ले आप कह सकते हैं यू के जी नर्सरी जो होता है वो मैंने डैप से करी जो एक आर्मी स्कूल था और फिर बाकी की एजुकेशन जो थी वो मैंने ए पी एस से करी डेली कैंट से तो उस स्कूल का भी बहुत बड़ा रोल रहा क्योंकि एक देशभक्ति जो थी वो वहाँ से मैंने बहुत पहले से ही सीखी और कल्चर के प्रति संस्कृत के प्रति और म्यूजिक उसमें मैं बहुत पहले से था उसमें जितना भी मैं आगे गया हूँ उसमें मेरे स्कूल का बहुत बड़ा रोल रहा है बहुत ही बढ़िया चलिए ये तो हुआ कि आपका इंटरेस्ट कैसे आया वो कहानी कि किस तरह कॉन्टेंट क्रिएशन की शुरू हुई वो वाली जानी तो वो जर्नी भी शुरू होती है जब मैंने अपना सेवेंथ क्लास के बाद जब एट्थ क्लास में गया तो मैंने स्कूल छोड़ा क्योंकि मुझे ये मन था कि मैं गुरुकुल में पढूं अच्छा तो जब ये प्रस्ताव मेरी परिवार के आगे आया तो ये क्वेश्चन आए कि पक्का है ना इरादा पढ़ने का वापस आ जाओ अच्छा ये सब नहीं हुआ नहीं नहीं तो मैक्सिमम घरों नहीं। में अगर कोई बोले कि मैं स्कूल छोड़ना चाहता जो जो तो जो करना है करो क्योंकि बार... बाद में ऐसा ना हो कि तुमने कहा कि पेरेंट्स ने करने नहीं दिया <laughs> तो गए और वहाँ पे मैं समझू तो दो साल तक मैंने कुछ गुरुकुल चेंज भी करे और कई जगह मैंने पढ़ा बहुत लोगों से पढ़ा और उसके बाद जब मैं वापस आया तो मेरी माता जी जो हैं वो जब ऑफिस से आती थी क्योंकि वो एडवोकेट है वकील हैं तो शाम को वो थक के आती थी और एक होता है जब पेरेंट्स वर्किंग हो तो जब शाम को वो आते हैं तो बच्चों का एक अलग ही उनसे बात करने का मन होता है तो हम दोनों बैठ जाते थे और मैं हमारा शुरू या तो हिस्ट्री या कल्चर या धर्म कुछ ना कुछ चर्चा हो रही है और उस समय मेरी माँ ने एक दिन थके हुए कह दिया कि बेटा मुझे इतना बताता है और मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता तो ऐसा कर इंस्टाग्राम पे डाल दिया कर या यूट्यूब पे डाल दिया कर और वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई और मैंने दो वीडियोस डाली और दो वीडियोस डाल के छोड़ दी और वो बहुत खास नहीं बनी थी ऐसे ही थी जो खाना पूर्ति के लिए मैंने बना दी कि चलो माँ कह रही है तो कर देता हूँ लेकिन दो महीने बाद मैंने जब लॉग इन करा तो मैंने देखा कि कई हज़ार फॉलोअर्स हो चुके थे और कई व्यूज़ आ चुके थे और उसके बाद वो कंटिन्यूस चलता रहा फिर ये, कभी नहीं रुका इक्कीस साल की बात है ये आ, दो हजार की बात है योगी सितंबर के टाइम तीन साल से भी कम हाँ जी क्या बात आंटी जी आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया अरिदमन को बहुत अच्छा आइडिया दिया अच्छा आ, मैंने आपका नाम बताया तो ये अच्छा टाइम है ये पूछने का अरी दमन का मतलब जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए अरी दमन तो अरी का अर्थ होता है शत्रु और आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा पहले के कुछ सीरियल्स भी आते थे तो हिस्टोरिकल एक सीरियल आया था चाणक्य उसके अंदर आपने एक नाम सुना होगा रिपू दमन जो एक सेनापति का नाम था तो रिपु का मतलब होता है शत्रु अरी का मतलब होता है शत्रु दुश्मन और दमन का मतलब होता है जो उनका दमन करता है जो उसका संहार करता है बहुत बढ़िया चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जब वो शुरुआत करते हैं कंटेंट क्रिएशन की तो कभी कभी फैमिली मेम्बर्स से कभी दोस्तों से कभी जान पहचान के लोगों से कि क्या करते रहते हो कैमरा पे कैमरा लेके फ़ोन ले घूमते रहते हो सीरियसली क्या करना चाहते हो काम के लिए क्या करना चाहते हो आपके ऊपर शायद दो अलग तरह के सवाल आए थे एक तो ये कंटेंट क्रिएशन का भी शायद आया होगा दूसरा आप जिस चीज पर कंटेंट क्रिएशन कर रहे थे उस पर तो एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब भारत सरकार ने नेशनल अवार्ड क्रिएट किया ऑर्गेनाइज किया कंटेंट क्रिएटर्स के लिए क्रिएटर्स को सम्मानित किया एक इस तरह के इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड के साथ तो एज अ क्रिएटर ये जो shift, ये जो बदलाव हुआ है कैसा लगता है ये बहुत ही मैसिव बदलाव है मैं कहूँगा कि एकदम से एक माइक्रो क्रिएटर से क्योंकि मैं इतना ऐसा नहीं था कि बहुत मेरे फॉलोअर्स थे पर एकदम से इस अवार्ड को ये अवार्ड मिल जाना ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी और जब मैंने स्टार्ट करा था तो दोनों चीज़ें हुई थी कि, कि किस चीज़ पे मैं बना रहा हूँ लेकिन मेरे पेरेंट्स की एक ऐसी इमेज है कि वो बहुत धर्म से चलने वाले और बहुत सही चीज़ों को मानने वाले सच पे चलने वाले इस चीज़ से प्रसिद्ध है अपने कोर्ट के अंदर भी तो जब ये हुआ कि इनका बेटा ये कंटेंट बनाता है तो ये मतलब लोगों के लिए ज़्यादा अचंभे की बात नहीं थी क्योंकि उनको पता था कि ये भी इतना स्पिरिचुअल है तो कहीं ना कहीं बच्चे में ये चीज़ होगी और कुछ मैं समझता हूँ एक दो लोग रहे होंगे जिन्होंने बोला होगा क्या बना रहे हो लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी नहीं था जिसने ये बोला हो कि गलत कर रहे हो और अप्रिशिएट ही करा गया था जब भी मैंने ये काम करा चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारत में पिछले कुछ सालों में कंटेंट क्रिएशन का ये जो बूम हुआ है इसका एक डायरेक्ट इसके पीछे एक कारण है भारत के डिजिटल बूम की कारण हर हाथ में स्मार्टफोन हर घर पे वाईफाई हर घर में इंटरनेट तो अगर आपसे पूछा जाए एज ए कॉन्टेंट क्रिएटर के भारत में होने वाले इस कंटेंट क्रिएशन बूम बूम के पीछे इस डिजिटल का कितना हाथ रहा है आ, इसका हाथ रहा है और क्योंकि मुझे लगता है कि कोविड के बाद से जब बहुत से लोगों ने कंटेंट क्रिएशन शुरू करा कोविड के समय भी शुरू करा और उस दौरान भारत सरकार ने भी बहुत डिजिटली जो चीज़ें होती हैं चाहे वो डिजिटल इंडिया की हो या और चीज़ें हो उसको बहुत आ, प्रमोट करा और उसके माध्यम से आ, मुझे लगता है कि ये चीज़ एकदम से सडन जो बूम आया आ, इस कंटेंट क्रिएशन के अंदर वो इस दौर के बाद आया और कई लोगों ने कंटेंट क्रिएशन शुरू करा और इस वजह से आज हम देखते हैं कि इतना बड़ा डिजिटल बूम हम उसको कह सकते हैं कि हम देख रहे हैं समाज के अंदर कि कितने लोग कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं और उससे प्रभावित भी हो रहे हैं चलिए अरिदमन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में जब आपका कैटेगरी आया आपका नाम अनाउंस हुआ कि आप जीते हैं फिर आप स्टेज पर आए पीएम मोदी जी से बातचीत हुई उनसे आपने अवार्ड लिया ये एक्सपीरियंस कैसा था ज़रा हमें बताइए ये आ, मुझे ये बहुत बाद में पता चला था कि मैं जीता हूँ या मैं विनर हूँ क्योंकि जब तक मैं इवेंट पे आया मुझे लगता है मैं तब भी श्योर नहीं था कि मैं जीता हूँ या नहीं जीता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं एक नॉमिनी हूँ इसलिए जा रहा हूँ और बिल्कुल बाद में मुझे पता चला कि हाँ मैं भी एक विनर हूँ और ये भी नहीं पता था कि प्रधानमंत्री जी के पास जब हम जाएंगे तो वहाँ पे वो कुछ पूछेंगे या पर कुछ बोलने के लिए कहेंगे और जब मेरी बारी आई तो आ, मैं सोच रहा था कि क्या बोला जाए क्या करा जाए और जैसा कि मैंने बताया कि एक मुझे लगता है कि देश के प्रति और संस्कृति के प्रति मेरा बहुत झुकाव है तो मैंने यही सोचा कि ऐसा क्या था जो जिस पर मैं बोल सकता हूँ तो जब मैं वहाँ गया तो उसे भगवान की कृपा कहें या कुछ भी कहें प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा अपना किस्सा बताया जब वो छोटे थे तो ट्रेन में जाते थे और हाथ देखते थे अनरिज़र्वड डिब्बे के अंदर अक्सर लोग उन्हें सीट देते थे और बहुत अच्छा था लोग उस पर बहुत हंसे भी उसके बाद जब मेरी बारी आई तो मुझे भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सबसे ज़्यादा ये लगा कि ये एक ऐसा बिंदु है जो अट्रैक्ट कर रहा है मुझे भी क्योंकि तो इसमें देश का सम्मान है इसमें संस्कृति है इसमें सब कुछ है तो मैंने जब बोला तो मैंने इसी को लेकर के बोला कि इसमें एक धर्मचक्र है तो इसको हम धम्म चक्र भी कहते हैं लैंग्वेज बैरियर से अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर तो बेसिकली मैं जो कंटेंट बनाता हूँ वो इस धर्मचक्र का एक अंग है इसमें एक वृषभ भी है जो धर्म का प्रतीक है और हम शास्त्रों में कहते हैं वृषभ हो ही भगवान धर्म हाँ तो जो रिलीजन है जो धर्म है उसका जो सिंबल है अगर कोई प्रैक्ट एक कहते हैं ना मूर्तमान सिंबल जो है वो वृषभ है जिसे हम बैल कहते हैं बुल जो होता है और वो भी है तो मैंने बोला कि शायद ये जो मुझे अवार्ड मिला है इसमें मेरा एक बहुत छोटा तिनका मात्र योगदान है कि इस धर्म चक्र में मैं भी एक योगदान देता हूँ और वो मोमेंट एक बहुत सडन मोमेंट था और जो भी मैंने बोला वो कैसे बोला वो मैं भी नहीं जानता पर बस उस समय वो हो गया और प्रधानमंत्री जी का जो एक भाव था हर एक के साथ मित्रता का जहाँ पे ये लगा ही नहीं कि हम प्रधानमंत्री के सामने जिस तरीके से उन्होंने सबसे बात करी सबको अपना फील कराया तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे लिए था बहुत ही बढ़िया अब मैं ये जो अगला सवाल मेरा आने वाला है वो सवालों की लिस्ट में मेरे थोड़ा आगे रखा था मैंने लेकिन ये सवाल मैं अभी पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपने प्रधानमंत्री के मित्रता के बारे में बात की हाँ जी तो कॉन्टेंट अच्छा होना उसके पीछे ऑफ्टन ह्यूमर का एक बड़ा जरूरी हाथ रहता है ह्यूमर का टू मेक इट फनी हाथ चीजें और प्रधानमंत्री जी की क्विक ह्यूमर ऑन स्पॉट ह्यूमर क्विक विट की चर्चे नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के बाद सोशल मीडिया पे हर जगह है हर जगह वायरल है तो आपको प्रधानमंत्री जी का क्विक ह्यूमर ऑन स्पॉट ह्यूमर क्विक विट कैसा लगा मुझे बहुत ही अच्छा लगा और जैसा एक इमेज होती है एक पूरी तस्वीर मस्तिष्क में छपी होती है कि प्रधानमंत्री प्रधान आएंगे तो फॉर्मल जाना है बिल्कुल एक तरीके से ना फॉर्मेलिटी जो होती है उसकी तरह लेकिन जब प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने जिन वर्ड्स का यूज़ करा जिस प्रकार से वो बोल रहे थे ऐसा लग रहा था कि कोई जेनजी व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है क्योंकि उन हर एक क्रिएटर के अनुसार उनकी बातें थी और जो कोई भी आया उन्होंने उनसे कनेक्ट करते हुए एक ह्यूमर उसको उनका बोलेंगे जो तो बहुत ही अलग लेवल का था मैं कहूँगा और सबसे मैच हो रहा था हर बार जब भी कोई उनके पास आया तो उन्होंने ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि वो हम वो एज गैप जो होता है ना एक वो हमें फील ही नहीं हुआ बिल्कुल और ये मैं कहना चाहूँगा कि मैं भी जब बैठ के देख रहा था तो प्रधानमंत्री को हर एक अवॉर्डी के बारे में और उनके काम के बारे में डिटेल में चीज़ें पता थी तो वो पता रखना वो याद रखना इट टॉम रिमाइंड को कौन नहीं जानता? तो यही कहते हैं कि आप टॉम क्रूज से मिलते हो वो भूल जाते हैं कि वो स्टार है वो आपको फील करवाते हैं कि आप ज्यादा जरूरी इंसान हो आपकी चीजें उनको याद रहती है तो ये एक फैक्टर uh, था जो uh, नरेंद्र मोदी जी का देखने को मिला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पीएम मोदी ने अपने स्पीच में उनके स्पीच के दौरान पूरी दुनिया ने सुना कि उनके दिल में उनके जहन में कितनी इज्जत है कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए उन्होंने ये भी कहा कि क्रिएटर्स के पास ये ताकत है कि वो भारत के भारतीय कल्चर को पूरे दुनिया में पूरे विश्व में और पॉपुलर बना सकती है जो ऑलरेडी है उसको और बना सकती है और सही तरीके से दिखा सकती है तो ये सुनकर कितना अच्छा आपको लगा और ये अब और कितना आप अपने काम में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने ये ये पंक्ति बोली थी कि भारत का कल्चर भारत की संस्कृति तो ये मेरे लिए तो बहुत हर्ष का विषय था मेरे लिए बड़ी खुशी की विषय थी क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अप, अपनी भारत की जो वास्तविक संस्कृति है उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हूँ उसका जो संदेश है उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हूँ और जब प्रधानमंत्री ये बात बोलते हैं कि इसके थ्रू इसके माध्यम से हम आगे तक इस मैसेज को पहुँचा सकते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा एक खुशी की बात होती है कि हमें एडमायर करा जा रहा है हमें आज देखा जा रहा है और लोग सुनना चाहते हैं और इसमें जब हम प्रधानमंत्री के पास भी गए तो एक मुझसे ये पूछा गया था कि जब आप गए तो आपको डर नहीं लगा कि एकदम से आप जा रहे हैं प्रधानमंत्री के आगे क्योंकि मुझे ऐसा लगा कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आपने जब बोला तो एक ऐसा लगा जैसे बड़ा फियरलेसली आप बोल रहे हैं आप शर्माए नहीं तो उस समय उसका उत्तर मैं देना चाहता हूँ क्योंकि आज इतने लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो शायद उन्हें ये समझ आना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री के पास में गया तो मुझे फील ही नहीं आई कि मुझे इनसे डरना है कि मुझे लगा कि आज के समय में अगर देखा जाए तो भारत की संस्कृति को भी भारत के कल्चर को क्योंकि वो प्रधानमंत्री है और भारत से संबंधित हर चीज़ पे तो उनका ध्यान रहता है तो अगर ऐसा व्यक्ति मेरे सामने है तो फिर उनके आगे क्या कैसा डरना है उनके आगे तो हम अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं और जितने लोग बैठे हैं उन्हें भी हम बता सकते हैं कि हम क्या सोचते हैं क्या फील करते हैं और क्या मैसेज मैं युवाओं को देना चाहता हूँ तो इसके अंदर प्रधानमंत्री के जो पूरी स्पीच रही वो बहुत अच्छी थी और उनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने बोला कि आप सब मेरे लिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं और जो दूसरों के लिए जीता है उसके लिए कई मरने वाले मिल जाते हैं तो ये जो लाइन थी इसने एक संदेश मुझे दिया कि सेल्फलेसनेस जो है सेवा जो है वो कितनी बड़ी चीज है आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कंटेंट क्रिएशन को जोड़ा जो कि एक डिजिटल फॉर्म है हुँ. एक ऐसी चीज के साथ जो पूरी तरह से भारत के रूरल भारत के रियल कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है हुँ. तो आपने इन दोनों चीजों का मिश्रण किया और आप अपना कंटेंट उस तरह बनाते हैं हुँ. तो आपके फॉलोअर्स में जो इतने यंगस्टर्स हैं आई एम श्योर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के बाद और भी ज्यादा तो उनसे बातचीत करके उनके कमेंट्स पढ़ के डीएम पढ़ के आपको कैसा लगता है कि आपकी जो बात है भारत के संस्कृति की जो बात है ये उन तक पहुंच रही है कितना कैसा लगता है आपको मेरे पास बहुत लोगों के डीएम आते हैं ई आती है कई माध्यम से मैसेज आते हैं और उनमें से कई ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि आपकी वीडियोज़ देखने के बाद हमने ये करना शुरू कर दिया है या हमने धोती पहननी शुरू कर दी है या।, या हमने रोज़ाना एक नियम बना लिया है जिसमें हम इस चीज़ को पढ़ते हैं या संस्कृत पढ़ते हैं कुछ करते हैं तो जब ऐसे मैसेज आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जिस समय मुझे अवार्ड नहीं मिला था बहुत कम लोग देखते थे तो अगर उसमें से पाँच लोग भी मुझे बात कह रहे हैं तो मुझे लगता था कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ या जो मैं बोल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं किसी का लाभ कर रही है और जो जेंजी है क्योंकि मैं खुद उस जनरेशन से बिलोंग करता हूं तो जब पहली बार वो देखते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो सोचते हैं कि आप कोई सन्यासी हैं कहाँ रहते हैं गुरुकुल में रहते हैं तो बताता हूँ कि नहीं गुरुकुल में नहीं रहता हूँ अभी ट्वेल्थ में हूँ अभी बोर्ड्स दूंगा, और अभी आप जैसा ही हूँ तो उसके बीच में भी मैंने एक एक फ़ैशन सेंस निकाली थी जिसके अंदर ऊपर मैं शर्ट पहनता था नीचे कॉन्वर्स पहनता था बीच में धोती पहनता था और वो इतनी अच्छी लगती थी कि कई लोगों ने वो ट्राई करा और पोस्ट करा और टैग भी करा मुझको मुझे भेजा भी कि आपसे इंस्पायर होकर हमने ये पहना तो मैं समझता हूँ कि जब उनसे मैं कनेक्ट होता हूँ Uh, क्योंकि जिस प्रकार मैं हिंदी बोलता हूँ मैं ये प्रयत्न करता हूँ कि मैं शुद्ध हिंदी बोलूँ क्योंकि जब हम कोई भी भाषा बोलते हैं तो मैं शुद्ध बोलना चाहिए लेकिन आज बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको कोई समझ नहीं पाता नहीं। तो बीच में हम और चीज़ें भी डालते हैं बट आई थिंक द वे आई स्पीक हिंदी आई ऑल्सो स्पीक इंग्लिश एंड इन द सेम वे आई ऑल्सो स्पीक संस्कृत सो आई थिंक कि ये बहुत बड़ी चीज़ है और लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलता है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो हम भी कर सकते हैं और मैंने अपनी इस कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी अभी चली रही है इसके अंदर मैंने देखा है कुछ ऐसे लोग जो ऐसे मेरे एज के लोग जो मुझसे मिले और जब वो मिले थे तब तो वो बहुत खिलाफ थे मेरे कि आप गलत कर रहे हो ऐसा है ऐसा है और जेंजी थे मेरी एज के बट आज वो मेरे दोस्त है मेरे सबसे करीबी दोस्त है तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है और लोग इंस्पायर होते हैं और बहुत अच्छा भी मानते हैं इस चीज़ को और आज की जो एज है आज की जो जनरेशन है उसमें ये एक परिवर्तन आया है एक कल्चरल परिवर्तन आया है सोच का परिवर्तन आया है कि हमारा जो कल्चर है वो भी अच्छा है उसे भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको भी हम पहन के बाहर जा सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे पूछा जाता हूँ नंबर्स की बात तो नहीं लेकिन नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड होने के बाद से इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे क्या बदलाव आया है क्या क्या बढ़ाव चढ़ाव क्या हुआ हाँ। कैसा हुआ है? तो सेवेंटी uh, सेवन के एक्चुअली uh, मेरा एट्टी uh, थे और एट्टी uh, फाइव थे और वो सेवेंटी सेवन हो गए थे घट गए थे बिकॉज uh, वो जा नहीं रहा था कंटेंट इतना बट uh, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी टीम को जिन्होंने भी uh, जिस और जिन्होंने वोटिंग करी और जो टीम थी जिन्होंने हमें सिलेक्ट करा इस अवार्ड के लिए क्योंकि uh, जब ये हुआ तो जिस दिन अवार्ड मिला तो आज अभी ही जब मैं आ रहा था तो रास्ते में ही वो एक लाख फॉलोअर हो गए क्या बात सिर्फ दो दिन के अंदर और ऐसे ही यूट्यूब के ऊपर हमारा यूट्यूब पे मेरा कोई ऐसे प्लेटफॉर्म था नहीं लेकिन उसमें भी दो दिन के अंदर ही चार हज़ार आज हो जाएंगे क्या तो ये था कि बहुत बूस्ट उससे मुझे मिला और बहुत सपोर्ट मिला और नए लोगों ने मुझे जाना इस अवार्ड के माध्यम से वंडरफुल बहुत ही बढ़िया इसी अवार्ड शो पे नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच के दौरान कहा कि कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल गुड कितना ज़रूरी है तो ये सुनने के बाद आप ऑलरेडी इस माध्यम में काम कर रहे हैं लेकिन और कितना आप इसे अपने काम में अपने कॉन्टेंट में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे किस तरह करना चाहेंगे मेरा जो भी कंटेंट होता है वो स्पिरिचुअल होता है हिस्टोरिकल uh, भी होता है आर्ट से रिलेटेड भी होता है और जब अवार्ड मिल रहा था तब ये बोल दिया गया था कि आप ज्योतिष में काम करते हैं जबकि मैं ज्योतिष में काम नहीं करता था वह एक मिस्टेक हुई और उसको मैंने जब क्लैरिफाई करा वहीं कि मैं ज्योतिष पर काम नहीं करता हूँ और uh, uh, जब ये पूरा कंटेंट क्रिएशन का जो जो मैं काम करता हूँ उसमें कल्चरल चेंज के लिए करता हूँ या एक प्रकार से कई सोशल चेंज जो आपने बोला जो प्रधानमंत्री जी ने बोला और जो अच्छे तरीके से चेंज हो और मैं समझता हूँ कि अगर मैं ये कर रहा हूँ और ऐसे कई क्रिएटर्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मनोरंजन तो होता ही है मनोरंजन बहुत ज़रूरी है एंटरटेनमेंट लाइफ में बहुत जरूरी है हम सब भी किसी ना किसी रूप से मनोरंजन करते हैं लेकिन सोशल चेंज भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब जो आगे आने वाली जनरेशन है उसमें हमें ऐसे लोग भी चाहिए जो सोशली स्टेबल हो जिनकी मानसिकता शुद्ध हो जिनका कार्य करने का तरीका शुद्ध हो क्योंकि जब हम सोशल चेंज की बात करते हैं तब हम यही लोग हम में से ही ऐसे लोग हैं जो देश का संचालन कर रहे हैं हम में से ही ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े पदों के ऊपर हैं और मेरा जो कंटेंट है वो स्क्रिप्चर से रिलेटेड है शास्त्रों से रिलेटेड है और जो देशभक्ति की पहली गूंज है अगर पहला कॉन्सेप्ट देशभक्ति का आया है तो मैं समझता हूँ वो वेदों में आया है क्योंकि वो ओल्डेस्ट ग्रंथ है और यजुर्वेद का एक बहुत सुंदर सूक्त है मंत्र है जो कहता है आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्म जायताम उसका एक हिंदी ट्रांसलेशन है वो कहता है ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी हो वे दुधारु गौ वृषभश्व आशुवाही आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाही बलवान सभ्य सो योद्धा यजमान पुत्र होवे इच्छानुसार वर्षे परजन्य ताप धोवे फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी ये देश कैसे चले यहाँ के योद्धा वीर हो यहाँ की भूमि उपजाऊ हो यहाँ की स्त्री का सम्मान हो पशुओं का सम्मान हो जो बारिश है वो तब हो जब हम चाहे आपदा ना आए तो मैं समझता हूँ कि जिस संस्कृति से मैं जुड़ा हूँ जिस कंटेंट से मैं जुड़ा हूँ वो तो सोशल चेंज का बेस है क्योंकि हम सब इस भारत से बिलोंग करते हैं और हिंदू ही नहीं चाहे कोई मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे हिंदू हो कोई भी कम्युनिटी का हो अगर देखा जाए तो हम एक भारतीय हैं हम इंडियन हैं और हमारी पूरे विश्व में जो पहचान है वो भारतीय के रूप में है आज मैं अगर बाहर जाता हूँ तो मुझे अरिदमन नाम से कोई नहीं जानेगा लेकिन मेरी पहली पहचान जो है वो भारत भारत से है और भारत की रूट से सिखाती है कि देश क्या है सच्चाई क्या है और जब हम ऐसा कंटेंट बनाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट बहुत लोगों पर करता है और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो पूरा प्रकल्प हुआ और इसमें जो मुझे एक्नॉलेज करा गया ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और ऐसे हर व्यक्ति के लिए है जो कंटेंट बना रहा है और इससे प्रेरित होकर और सोशल चेंज का कंटेंट बनाएगा चलिए एक मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और इसका जवाब पूरा विस्तार में पूरा डिटेल में सवाल का पूरी तरह से जस्टिस करते हुए अगर दिया जाए तब एक पॉडकास्ट उसी पे रखना पड़ेगा जी। लेकिन हम शॉर्ट में ही निपटाएंगे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भगवत गीता से आपने क्या क्या सीखा जो आप अपने डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और आप क्या छोटा सा मैसेज यंगस्टर्स को देना चाहेंगे कि पढ़ो बहुत आपको भी काम आएगा <laughs> भगवद गीता भागवत गीता वो ग्रंथ है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और भागवत गीता के जैसे ऐसे बहुत गीताएँ हैं शिव गीता, देवी गीता गणेश गीता जिसमें जहाँ कृष्ण का रोल भगवद गीता में है वहाँ पर उन डेटीज़ का है और अगर देखा जाए तो गीता एक मैसेज दे रही है और उसके अंदर बहुत सी चीज़ें सीखने को है कोई एक एस्पेक्ट मैं कहूँ तो वो चलेगा नहीं क्योंकि आपने भी बोला कि उस पर एक अलग पॉडकास्ट हो सकता है लेकिन भगवत गीता से आज की जनरेशन को क्या सीखना चाहिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हम देखते हैं अर्जुन जो है वो युद्ध भूमि पे खड़ा है और वो कह रहा है भाई मैं नहीं लड़ सकता सामने परिवार वाले हैं और जो परिवार वाले हैं वो गलत कर रहे हैं वो अधर्म पे है वो न्याय संगत नहीं है पर है परिवार वाले और भगवान जो है कृष्ण जो है वो उनको वहाँ उपदेश कर रहे हैं क्या उपदेश कर रहे हैं कि तुम्हें लड़ना है तो एक ऐसी अनार्यों वाली बात कर है रहा है कि तू लड़ नहीं रहा है यद्यपि भगवान सामने हैं और अर्जुन लड़ते हैं और विजय भी होते हैं और बहुत से उपदेश उसमें बताते हैं कि आत्मा क्या है परमात्मा क्या है मृत्यु नहीं होती है और अगर तू इसमें हार भी जाता है अगर तू यहाँ पे मर भी जाता है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है एक एक बलिदानी को वो कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होता जो देश के लिए मरता है तो हमने देखा कि यद्यपि वो आध्यात्मिक ग्रंथ है स्पिरिचुअलिटी का ग्रंथ है लेकिन वो मैसेज ये दे रहा है कि अर्जुन एक राजा है एक राजा है एक योद्धा है और वो कोई गुरु नहीं है सन्यासी नहीं है लेकिन तब भी उस उपदेश को सुन के वो अपना राजधर्म निभा रहा है तो एक विद्यार्थी जो है वो अपने विद्या के धर्म को निभा सकता है एक नेता जो है वो अपने राजधर्म को उसे पढ़ के निभा सकता है एक किसी भी फील्ड का कोई व्यक्ति हो चाहे अधिवक्ता हो चाहे जर्नलिस्ट हो चाहे एक्टर हो गीता में उसके लिए एक पर्सनल मैसेज है और जब वो गीता पढ़ते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि वो गीता पढ़े और उन्हें अपने लिए कोई मैसेज ना मिले hmm. अक्सर ऐसा होता है कि मैं किसी दुविधा में हूँ तो मैं अपने कमरे में एक छोटी लाइब्रेरी है वहाँ जाता हूँ गीता निकालता हूँ खोला और अगर ये मैंने प्रार्थना करी है कि हाँ कुछ गाइडेंस मिले तो जो पन्ना खोलता हूँ उस पन्ने पे कुछ ऐसा मिलता है जो मेरे उस समय काम में आता है मेरे लिए लाभदायक होता है तो गीता में हर एक के लिए हर प्रकार का मैसेज हर प्रकार का संदेश है और आज की जनरेशन को गीता तो पढ़नी ही चाहिए आज की जनरेशन काफी स्ट्रेस में रहती है काफी ये एक शब्द है बहुत चलता है आजकल प्रोकास्टिनेट करती है तो उस वक्त जैसे आपने अभी हरिधवन से सुना कि अगर आप गीता पढ़े तो शायद क्या पता आपको भी उसी पढ़ने में आपका सोल्यूशन मिल जाए बिल्कुल चलिए हरिधवन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पीएम मोदी से बातचीत करके पीएम मोदी के स्पीच को सुनने के बाद अब आप और कितना इंकरेज हुए हैं और कितनी प्रेरणा मिली है कि अब और बेहतर कंटेंट और ऐसा कंटेंट जो भारत के उन लोगों तक भी पहुंचे जिन तक ये कंटेंट नहीं पहुंचा था उन यंगस्टर्स तक पहुंचे जिनका ये इस चीज़ के साथ कनेक्ट अभी तक नहीं हुआ है कितनी प्रेरणा मिली प्रेरणा बहुत मिली क्योंकि भारत के सर्वोच्च पद पे जो आसीन प्रधानमंत्री हैं वो अगर अवार्ड दे रहे हैं तो फिर अगर व्यक्ति ये सोचता है कि हमें कम लोग सुन रहे हैं तो उसके मन में एक विचार आता है कि प्रधानमंत्री तो सुन रहे हैं exactly. <laughs> और मुझे लगता है कि जब अवार्ड मुझे मिला तो उसके बाद से एक प्रेरणा आई कि हमें लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है ऐसे तो बहुत कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अपनी जर्नी पे हैं स्ट्रगल कर रहे हैं इवन मैं भी अपनी जर्नी पे हूँ और ऐसा कभी कभी भावना आती है कि छोड़ो क्या करना है कुछ असर तो हो नहीं रहा है कोई देख तो रहा नहीं है लेकिन इस अवार्ड के बाद मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं देखने वाला देख रहा है और जो हम मेहनत कर रहे हैं वो कभी भी ऐसे नहीं होने वाला है कि उसका कोई फल हमें ना मिले वो जरूर एक दिन रंग लाएगी तो ये मुझे प्रेरणा मिली और उसके बाद से एक मन में विचार आ गया कि इसको करते रहना है इसमें कम नहीं धीरे नहीं होना है आपसे पूछना चाहता हूँ नेशनल भारत देश में पूरी दुनिया में ऐसा इस लेवल का अवार्ड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए पहला क्या लगता है अपकमिंग बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खुद अरिदमन ने जब वो पहले दो वीडियोस बनाए थे उस सिचुएशन में अगर अरिदमन ने ये देखा होता कोई बडिंग कंटेंट क्रिएटर जब ये देखेगा आप लोगों को अवार्ड लेते हुए देखा पी से उनको कितनी प्रेरणा मिलेगी कितनी इंकरेजमेंट मिलेगी प्रेरणा मिली है और मुझे कमेंट्स भी लोगों के आए मैसेजेस भी आए कि आपका आज यहाँ देख के हमें प्रेरणा मिली है कि हम इस चीज़ को फॉलो करें और एक व्यक्ति तो व्यक्ति ने मुझे ये भी कहा कि मैं भी एक दिन प्रधानमंत्री से अवार्ड पाना चाहता हूँ तो ये लाइव एग्जांपल है कि कैसे लोगों ने खुद मुझे बताया कि उनको कितना इससे प्रेरणा मिली है और ऐसे आगे मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को ये देख के अच्छा लगा होगा कि कैसे प्रधानमंत्री ने खुद सब क्रिएटर्स को अवार्ड दिया है और पहली बार मुझे लगता है कि ऐसा हो रहा है कि कंटेंट क्रिएटर्स को कोई एडमायर कर रहा है भारत की सरकार कर रही है तो प्रेरणा निश्चित रूप से ही बहुत लोगों को मिली है कमाल चलिए रैपिड फायर क्वेश्चन और इस सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ आप दो दें एक तो हिंदी में और एक संस्कृत में अगर आपसे पूछा जाए एक शब्द पीएम प्या? मोदी को डिफाइन करने के लिए वन वर्ड टू डिस्क्राइब पी मोदी नेतृत्व नेतृत्व बिल्कुल चलिए अब इसी नेतृत्व जिन्होंने आपने कहा वन मोर टू डिस्क्राइब हिम पीएम मोदी के लिए अगर आपसे पूछा जाए कोई मैसेज आप उनको देना चाहे तो वो मैसेज क्या होगा प्रधानमंत्री तो हम सबके लिए ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको हम क्या ही मैसेज दे सकते हैं क्योंकि वो हमारे प्रेरणा के स्रोत है, हैं स्रोत हैं और उनको मैसेज देना मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय भी है और मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मैं उनके लिए कोई मैसेज दे सकूं और मैं समझता हूँ कि मेरे नज़र में मेरी दृष्टि में प्रधानमंत्री एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस अवार्ड अवार्ड के माध्यम से उन्होंने ये दर्शाया है कि छोटा से छोटा प्रयास जो देश के लिए कोई भी कर रहा है चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो अधिवक्ता हो चाहे वो पत्रकार हो उस सब को भारत सरकार समझती है व उन सब का आदर करती है उन सब के लिए भारत में स्थान है और इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी निष्ठा से इस देश की सेवा सतत करते रहे और उनके इस अच्छे प्रकल्प में हम सदैव उनके साथ हैं और ऐसे अच्छे अच्छे प्रकल्प आगे आते रहे इसी के लिए मैं आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया चलिए अरिदमन आपको जाने देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ ये सवाल एज अंटेंट क्रिएटर नहीं है एज ए यंग इंडियन आप अपने बारहवीं का बोर्ड देने वाले हैं भारत में पिछले दस साल की हम बात करें तो इतना डेवलपमेंट हो रहा हम स्टार्टअप uh, कल्चर को देखें हम एग्रीकल्चर में देखें हम इसरो को देखें हर महीने हर साल मल्टीपल अचीवमेंट्स तो पिछले दशक में हम यूपीआई की बात करें हम डिजिटल बूम की बात करें एज यंग इंडियन एक यंग भारतीय होने के नाते कैसा लगता है पिछले दशक के इतने डेवलपमेंट्स को देख के मैं अगर अपने से ये बात सोचू एक सामान्य व्यक्ति की तरह जो इस देश का एक एक पीढ़ी में है एक व्यक्ति है तो मैं अपने से जोड़ के उसे बताना चाहूँगा कि मुझे कैसा अनुभव हुआ मुझे क्या दिखता है और वो ये है कि बचपन से ही जो मेरा कंटेंट है जो मैं शास्त्र पढ़ता हूँ उस पर वीडियोज़ बनाता हूँ ये कल्चरल रहा है ये धर्म से जुड़ा रहा है संस्कृति से जुड़ा रहा है हम शिखा रखते हैं सूत्र पहनते हैं तिलक लगाते हैं तो जब मैं छोटा था छः सात साल का था जब हमने शिखा रखी थी और जब मैं स्कूल जाया करता था तो उस समय बारह की बात होगी 2012 की या ग्यारह की उस समय बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था लोगों में खुद को रखने के लिए कि हम भी हमें शर्म नहीं आती अपने कल्चर को ले जाने के लिए और लोग कई बार कटाक्ष भी करते थे हंसते भी थे यहाँ तक हुआ कि हमारे टीचर ने बोल दिया था कि आप इस कटा दीजिए जो कि मैंने नहीं करा और उस समय जो मेरा उत्तर था वो ये था कि जिस प्रकार एक सिख है क्योंकि मेरा एक बहुत परम मित्र था वो सिख था मैंने बोला वो केश रखता है मैं शिखा रखता हूँ सर और उस दिन के बाद से मुझे कभी वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन जब आगे के साल बढ़े और इन दस सालों की जब आप बात करते हैं तो मैंने एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखा कल्चरली अगर मैं बोलूं क्योंकि वही दोस्त जो कभी हंसते थे कभी मजाक करते थे हल्की बातों में ले जाते थे आज वो मैसेज करते हैं आज वो मुझसे पूछते हैं कि हम भगवत गीता कौन सी वाली पढ़े किस पब्लिशर की पढ़े आज वो कहते हैं हमें भी सिखा रखनी है आज वो कहते हैं हमें भी हिस्ट्री पढ़नी है हमें भी इस जगह विजिट करना है इस इस महल में जाना है क्योंकि कल्चरली बहुत चीज़ें डेवलप हुई है अपने खुद के कल्चर पर जो अभिमान है वो हमें इन दस सालों में हुआ है ऐसा मैं समझता हूँ और रही बात डिजिटल इंडिया की रही बात यू पी आई की कंटेंट क्रिएशन की ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि कभी कोई सोचता नहीं था कि ऐसा भी समय आएगा कि हम फोन से ही पेमेंट्स करते रहेंगे क्योंकि ये लगता था कि ऑनलाइन बैंकिंग जो है बहुत बड़ी सेफ़ है क्या उससे, है। उससे पैसे कट जाएंगे एक बहुत बड़ी चीज़ थी लेकिन आज हम देख रहे मेरा जैसा व्यक्ति जो खुद कंटेंट क्रिएशन कर रहा है वो खुद कर रहा है उसको बहुत डिफिकल्टीज़ नहीं आ रही है उसको करने में क्योंकि वो प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है इन दस सालों के अंदर जहाँ हम ख़ुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन तो पहले लोगों की ये आशाएं होती थी कि हम किसी इंडस्ट्री में अप्रोच करें हम कुछ करें कहीं इंटरव्यू दें लेकिन आज उनके पास ये स्वतंत्रता है कि वो खुद एक एक्टर बन सकते हैं वो खुद एक सिंगर बन सकते हैं विदाउट एनी सपोर्ट तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो इन पिछले दस सालों में आया है बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत के प्राइम एग्जाम्पल आप खुद भी हो सकते हैं जी बिल्कुल चलिए अरिदमन आपको जाने देने से पहले मैं चाहता हूँ आप एक छोटा सा मैसेज दे माइगफ के साथ ही इसको अपने फैंस को जो ह्यूज नंबर ऑफ देम आर टुगेदर सेम माइगफ के साथ ही और अपने फैंस को एक छोटा सा मैसेज माई के साथ जितने भी जब मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि जो माई गव की टीम है वो बहुत ही अच्छी है और जो हमारा पूरा इवेंट रहा वो बहुत अच्छा रहा और जो लोग हम जुड़े हुए हैं जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं जितना भी यूथ है मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि अगर मैं दो चीज़ों को सतत चला सकता हूँ दो चीज़ों को एक साथ लेके चल सकता हूँ तो आप भी चल सकते हैं मैं समझता हूँ कि आज हमने बात करी कि डिप्रेशन एनेग्जाइटी हमारे प्लान्स हमारी सक्सेस न जाने कितनी टेंशन समय होती है और बहुत टेंशन में डिप्रेशन में चले जाते हैं प्रेशर में चले जाते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम थोड़ा सा समय रोज़ाना अपने कल्चर से जुड़े रहें हम गीता पढ़ें हम थोड़ी मेडिटेशन करें हम अपने इतिहास को जानें अपने इस देश के इतिहास को जानें अपने संस्कृति के इतिहास को जानें उस पर उसको उसका पालन करना शुरू करें तो मैं समझता हूँ कि हमारी आधी से ज़्यादा समस्याएं ऐसे ही खत्म हो जाएगी और जैसे मैं हूँ वैसे ही आप हैं और आपसे मैं अलग नहीं हूँ और मैं सोचता हूँ और समझता हूँ कि आप लोग भी इस प्रकार अपने देश पे गौरव करेंगे और अपने देश की संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे और एक दिन जैसे आज मैं एक्नॉलेज हुआ हूँ प्रधानमंत्री ने मुझे अवार्ड दिया है आप में से कई लोग होंगे जिन्हें ऐसे ही प्रधानमंत्री आगे अग्रिम वर्षों में अवार्ड देंगे और उसके लिए आपको आज से ही कार्य शुरू करना चाहिए बिल्कुल अरिधमन हमारे माइकप साथीज पूरी तरह आपसे एक भजन सुनना चाहेंगे तो जाने देने से पहले एक छोटा सा भजन आपसे सब सुनना चाहेंगे मैं निर्वाण शटकम का एक श्लोक सुनाना चाहूँगा जो संस्कृत में आदिशंकराचार्य की एक रचना है और अभी एने्जाइटी डिप्रेशन की बात कर रहे थे तो एक बहुत बड़ा मोटिवेटर स्तोत्र है उसमें बताया गया है कि मैं शिव हूँ मैं किसी से दबने वाला नहीं हूँ मैं परमात्मा का अंश हूँ तो मैं उसकी एक एक श्लोक मैं उसका आपको सुनाना चाहूँगा मनोबुध्यहङ्कारेता निनाहं मनोबुद्ध्यहङ्कारेतानिनाहं न च श्रोद्रजुहे न च घ्राणनेत्रे न च श्रोत्रजुहे न च घ्राणनेत्रे न च व्यों न तेजो न वायुः न च व्यों तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽ शिवोहं चिदानन्दरूपः शिवोह शिवोह शिवोहं शिवोऽहम् शिवो बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया साथीज हमारे साथ है अरी दमन जिन्होंने जीता बेस्ट माइक्रो क्रिएटर अवार्ड पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में आप हमें कमेंट्स में लिख जरूर बताइए ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दमन हमें तो बहुत मजा आया आपको कैसा लगा बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने पूछे <laughs> इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद और ये पॉडकास्ट कई लोग सुने उनको लाभ हो ऐसी मेरी आशा है बिल्कुल होगी और आप लोग कमेंट्स पे जरूर लिखिए पॉडकास्ट आपको कैसा लगा और इसी तरह के और एक्साइटिंग कंटेंट के लिए देखते रहिए माय गव मैं आपका दोस्त को रॉय अगले वीडियो पे मिलता हूँ